जी हाँ भैया, 4G नेटवर्क पे आपके SMS सिक्योर नहीं हैं। आपके जो OTP आते हैं अकाउंट से रिलेटेड, या फिर किसी भी चीज़ का OTP आता है, वो SMS के थ्रू ही आता है और SMS सिक्योर नहीं है। जी हाँ, बात करेंगे ऐसी ही कुछ टेक न्यूज़ की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरिंदर, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की। सबसे पहला अपडेट हमारे पास निकल के आता है भैया, एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी को लेके, जो कि है लैब ग्रोन ने काम कर रहा है इस पे। और जो डायलिसिस है, जो किडनी पेशेंट है, वो डायलिसिस जो है वो बड़े ही आराम से कर पाएंगे। जी हाँ, अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट निकल के आता है एक बड़े ही कमाल का। और मेरे को लगता है कि भैया ये होने वाला है हमारे किसान भाइयों के लिए बड़े ही काम का। और आगे जाके फ्यूचर में हमें ऐसी टेक्नोलॉजी और भी काफ़ी फील्ड में देखने को मिले। तो ये है भैया खेती से रिलेटेड एक ऐसा रोबोट जो काम करेगा आपके खेत में खरपतवार को उखाड़ने का। जी हाँ, खरपतवार जो अनावश्यक पौधे आपके खेत के अंदर उगाते हैं, उन्हें ये पहचान पाएगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा और उन्हें निकाल पाएगा। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है भैया एप्पल की तरफ से। और एप्पल जो है एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है एप्पल वॉच के लिए, OS 5.2। और इसके अंदर आप जो है अपने मोबाइल के अंदर जो आपने यदि एप्पल वॉच पहनी है 4 सीरीज से ऊपर की, तो आप जो है अपनी ECG रिपोर्ट जो है वो मोबाइल के अंदर देख पाएंगे बड़े आराम से। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट निकल के आता है वीवो के एक नए फ़ोन लॉन्च को लेके। जी हाँ, वीवो ने लॉन्च किया है Vivo S1। और इसके अंदर जो है 25 मेगापिक्सल का जो है पॉपअप सेल्फी कैमरा इसके अंदर मिल जाता है, ट्रिपल लेयर कैमरा मिल जाता है। और यदि प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर Helio P70 प्रोसेसर हमें मिल पाता है। अगले अपडेट की बात करें तो भैया अगला अपडेट निकल के आता है बड़े ही कमाल का और बड़े ही मजाक की सी बात है ये। हुआवे ने जो नया फ़ोन लॉन्च किया था अपना Huawei P30, उसके अंदर भैया वायरलेस चार्जिंग लगानी वो भूल गए। तो आप बताइएगा वायरलेस चार्जिंग का आपका जो है क्या राय है, क्या आप अपने मोबाइल के अंदर वायरलेस चार्जिंग को प्रेफरेंस देते हैं? जी हाँ, यदि आप एक महंगा मोबाइल खरीदते हैं, एक प्रीमियम रेंज का मोबाइल खरीदते हैं, तो बिल्कुल उसके अंदर मोबाइल चार्जिंग होनी चाहिए। लेकिन हुआवे ने इस समस्या का भी सोल्यूशन निकाला है। पहले तो बोलते हैं कि भैया हम भूल गए थे, और उसके बाद उन्होंने जो है एक मोबाइल का जो है बैक कवर या बैक केस कहें वो निकाला है, जिसको लगाने के बाद आपका मोबाइल जो है वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट कर पाएगा। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है भैया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एम्प्लॉयों को ये हिदायत दी है कि वो किसी भी तरीके का अप्रैल फूल प्रैंक जो है वो ना करें। आप बताइएगा आपका क्या विचार है और कैसे आप मनाते हैं अपना अप्रैल फूल, हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट निकल के आता है भैया UPS की तरफ से। UPS ने जो है एक ड्रोन सर्विस लॉन्च की है USA के अंदर, जिसकी रेंज है 12.5 माइल्स की। और इससे जो है 5 पाउंड तक के जो वजनी सामान है उसकी डिलीवरी इधर से उधर की जा सकती है 12.5 माइल्स तक। और इसका जो यूज है वो मेडिकल सैंपल लेने के लिए किया जाएगा। तो ये एक और बड़े ही कमाल की ये बात है। और यदि ऐसे में आपको कोई इमरजेंसी और कोई 5 पाउंड से कम का वेट का सामान आपको डिलीवर करना है कहीं, तो आप जो है इसके थ्रू कर सकते हैं, ड्रोन के थ्रू कर सकते हैं। अगले अपडेट की बात करें तो भैया अगला अपडेट निकल के आता है जियो की तरफ से। और 2018 के जो डेटा जो निकल के आया है उसके अकॉर्डिंग जो है जियो सबसे जल्दी बढ़ने वाला प्राइमरी नेटवर्क है। जो कि हाँ भैया, पहले जिम जियो सिम है वो यूज़ करते थे हम एज ए सेकेंडरी सिम डेटा के लिए, लेकिन अब जो है धीरे धीरे एयरटेल वोडाफोन आइडिया जो है छोड़ के लोग जा रहे हैं जियो की तरफ और यूज़ कर रहे हैं जियो को एज ए प्राइमरी सिम। आपने अपनी सिम जियो में पोर्ट कराई अभी तक या नहीं कराई, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा, लाइक बटन को थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा, मेरे को पता है आपको वीडियो के अंदर मज़ा आ रहा है। अगले अपडेट की तरफ नज़र डालते हैं। अब अगला अपडेट हमारे पास आता है भैया एप्पल के ऐप स्टोर को लेके। यदि आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो आप जैसे ही एप्पल का ऐप स्टोर खोलेंगे तो वहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगी एड्स। जी हाँ, इंडिया के अंदर भी अब जो है एप्पल जो है वो एड शो कर रहे हैं। भैया मेरे को नहीं लगता है कि आप जो है प्रीमियम रेंज का इतना महंगा ओवर प्राइजेज फ़ोन खरीदते हो और उसके अंदर भी आपको ऐड आ रही है। भैया पहले कंपनी को आपने कम पैसे दिए, क्या विचार है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएगा। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है भैया एक बड़े ही कमाल की टेक्नोलॉजी को लेके। जी हाँ, आपने गाना तो वो सुना ही होगा, तक तक तेनू गोरिए निकले करंट तेरे यार, आवाज़ बेसुरी है। लेकिन हाँ, अगला अपडेट इसी के बारे में, भैया अब जो है आपकी बॉडी हीट से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी। जी हाँ, आपकी बॉडी हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, ऐसे जो एक रिसर्च को लेकर अभी काम चल रहा है।
अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड को लेकर। तो भैया इसका एक वीडियो सामने आया, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। उस वीडियो के अंदर जो है रोबोट के थ्रू सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड को बार बार फोल्ड किया जा रहा है, और सैमसंग का कहना है कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड है वो 200,000 बार या इससे ज़्यादा बार जो है वो फोल्ड हो पाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उस चीज़ की टेस्टिंग की जा रही है। फोल्डिंग फोन के बारे में हमारा वीडियो आने वाला है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसके बारे में पूरी बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है भैया कार्गो ड्रोन को लेकर। जी हाँ, ड्रोन जो है वो एज ए कार्गो यूज होंगे, ऑटोनोमस ड्रोन होगा जिसके अंदर जो है आप अपने जो सामान है वो डिलीवर कर पाएगा, एक जो है रिमोट ऑपरेटर जो है वो उस ड्रोन को उड़ा पाएगा। अगले अपडेट की बात करें तो भैया अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है Xiaomi के फोल्डिंग फोन को लेकर, और एक और वीडियो सामने आया है, आप YouTube पे चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर दिखाया गया है कि ये फोल्ड जो है, ये फोन है ये दो साइड से फोल्ड होगा, दोनों कॉर्नर से जो है इस फोन को ऐसे फोल्ड किया जाएगा। अभी बचिए आपकी लास्ट अपडेट। जी हाँ जी, आपको मैं बता दूं कि जो 4G जो LED जो नेटवर्क बैंड हम यूज़ कर रहे हैं वो सिक्योर नहीं है, उसके ऊपर जो SMS हैं आपके उनको स्निफ किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसको भैया यूज़ तो हमें करना ही पड़ेगा, 4G के हम इतने आदी हो चुके हैं, लेकिन इससे बचने के लिए क्या किया जाए भैया, जल्दी से जल्दी 5G ले आओ ताकि हम 4G बंद कर दें और हमें जो है SMS हमारी सिक्योर हो पाए। तो जी हाँ, इसमें आप अपने जो मोबाइल्स को हैं वो थोड़ा सा संभाल के और ज़िम्मेदारी से उपयोग कीजिएगा ताकि आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो हो सके तो थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, आगे आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेके आते रहेंगे टेक न्यूज़। धन्यवाद।